हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता का होम स्टाइलिंग। कविता का होम स्टाइलिंग के किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी करवा चौथ स्पेशल रेसिपी, फेनई फेनिया या फिर सेवियाँ कह लीजिए। इसके लिए हमने थोड़ा सा घी लिया, उसमें मैंने कुछ टूटे हुए कुछ टुकड़े वाले काजू को रोस्ट कर लिया है। उसके बाद ये सेवियाँ भुनी हुई होती हैं, फेनिया वाली जो लंबी वाली होती हैं और पतली होती हैं, लेकिन ये मशीन से भुनी हुई होती हैं तो इसलिए इसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। आप इसको घर पर रोस्ट ज़रूर कीजिएगा। घर पर जब हम इसको रोस्ट करेंगे घी में तो इसकी जो जो इसकी फ्रेग इसकी जो खुशबू अरोमा वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। उसमें से जो मोटे मोटे से लम्ब्स या कुछ भी पीसेस होंगे उसको आप सेपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि वो दूध के साथ बहुत अच्छे से पकते भी नहीं हैं और वो टेस्ट भी बहुत गंदा सा देते हैं। अब इसको जब हम इसको रोस्ट करेंगे थोड़ा सा हम इसको डार्क कलर होने तक वेट करेंगे, फिर ये जो घी की महक जो है वो सेवियाँ के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और एक अलग ही टाइप का अरोमा आएगा हमको। उसको हम फिर मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है, उस दूध को मैंने बॉयल कर लिया। जब वो दूध बॉयल हो गया तो उस दूध में मैंने जो काजू रोस्ट किए थे उसको मैंने डाल दिया, काजू रोस्ट किए हुए काजू को। और दूध को पहले हम थोड़ा सा चला लेंगे, उसके बाद हम इसमें ये सेवियाँ भी ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध के लिए ये जितनी मैंने सेवियाँ, 1 20 रुपीज़ का पैकेट था ये, उसमें से हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यूज़ किया है और ये इतना सफिशिएंट रहेगा इसके लिए। हम इसको ढककर पकाएं या फिर खुला पकाएं, कम से कम 15 मिनट हमने इसको दूध के साथ पकाना है। अगर हम ढक के पकाएंगे तो 10 ही मिनट में तैयार हो जाती है, बट एक चांस रहता है कि ढककर पकाने में थोड़ा दूध के बाहर आने का डर होता है, इसलिए मैं इसको खुले में ही पकाती हूँ। मैंने इसे 15 मिनट के लिए दूध के साथ पका लिया और बहुत अच्छे से पकाया। एक बहुत ही अच्छा टिप्स है इसके लिए कि कभी भी आप दूध की सेवियाँ बनाएं तो आप चीनी को लास्ट में ऐड कीजिएगा गैस को बंद करके, क्योंकि चीनी जो सेवियाँ या फेनियाँ हैं उसके अंदर बहुत जल्दी दूध को फाड़ देती हैं और फिर फट जाता है वो दूध और आपकी वेस्टेज हो जाएगी। ये सब करने के बाद जब ये इसके साथ पक गया तो अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे। चाहे तो आप खोया, अगर आपके पास खोया या मावा है तो आप उसका यूज़ कीजिए, और अगर वो नहीं है इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग दैट, अगर आपके पास पनीर है तो आप उसका यूज़ कीजिए। मिल्क पाउडर डाल के तो हम खीर भी बनाते हैं, बहुत कुछ डालते हैं तो सेम ही फ्लेवर आता है। इसको आप पनीर डाल के एक बार बना कर ट्राई कीजिएगा, इट्स ऑसम। बहुत ही टेस्ट डिफरेंट होता है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। और पनीर को हमने डाल दिया अच्छे से क्रश करके, मैंने अपने हाथों से ही इसको क्रश किया है, और क्रश करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको ढक कर पकाएंगे। जो पनीर है वो दूध के साथ बहुत अच्छे से अपना दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और सेवई के अंदर उसका टेस्ट भी चला जाएगा। तो फिर ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप बनाइएगा इसको ज़रूर और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी होती है ये। 10 मिनट के लिए मैंने इसको खुली कढ़ाई में बनाते हैं, चलाते हैं। तो आप 10 मिनट के लिए पकाइए दूध को, पनीर को और सेवियाँ को, और अगर आप बंद कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप 5-7 मिनट में भी ये तैयार हो जाती है। उसके बाद मैं इसमें इलायची पाउडर मेरे पास था वो मैंने ऐड कर दिया है। इलायची पाउडर मैंने बना के रखा है, उसको मैंने ऐड कर दिया है इस दूध में। वो क्लिप इसमें नहीं दिख रही आपको, बट वो मैंने इसी में ऐड कर दिया था। देखिए आप ये चलाते चलाते और पकाते पकाते इतना ठीक हो गई है और ये बहुत टेस्टी हो गया। अब मैंने गैस को बंद करके, क्योंकि मेरी पूरी सेवियाँ एकदम से रेडी हो चुकी हैं ये रेडी हैं सर्व करने के लिए, तो मैंने उसके बाद इसमें चीनी ऐड किया और चीनी ऐड करके मैं इसे ढक्कन लगा गई, क्योंकि अब दूध की बॉयल होकर बाहर गिरने का डर तो रहेगा नहीं क्योंकि मैंने गैस बंद कर दिया है, और दूध के फटने का भी डर नहीं रहेगा। अब मैं इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। जो चीनी है वो इसके साथ बहुत अच्छे से घुल जाएगी और घुल जाएगी फिर वो एक अलग ही टेस्ट देगी। अब मैंने इसकी गार्निशिंग की है पिस्ते के साथ इसलिए की है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम एक जैसा वही डालते हैं, वो किशमिश और बादाम, तो थोड़ा सा हमें टेस्ट को डिफरेंट भी करना था इस बार, तो मुझे ये वाली गार्निशिंग और ये वाला टेस्ट ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि हम इसमें जो काजू हैं वो हम रोस्ट करके पहले ही डाल चुके हैं, तब ये हमारी लास्ट वन हम इसमें पिस्ते से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। और देखिए देखने में कितनी टेस्टी है ये, जितनी टेस्टी और सुंदर देखने में लग रही है खाने में, ये इससे बहुत ज़्यादा विश्वास कीजिए, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करवा चौथ की सबको बधाइयाँ। और ये मेरी पूरी की पूरी करवा चौथ की व्रत थाली है जो मैंने बनाई थी। आलू, इसमें मैंने फ्राइड आलू बनाया, पनीर बनाया, मटर पनीर बनाया। मटर पनीर में मैंने क्रीम डाला थोड़ा उसके टेस्ट को एनहेंस कर।